अहमदनगर जिले के पाथड़ी तालुका से गुजरने वाला कल्याण विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 61 में पिछले 8 साल से काम रुके हुए हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे और धूल के कारण मार्ग अवरुद्ध है, जिससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर बहुजन संगठन के जिला उपाध्यक्ष अरविंद सोन टक्के, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष किशान आवड़, महिला तालुका अध्यक्ष रोहिणी थोम्बे आदि ने खुलकर प्रशासन का विरोध किया। अनुमंडल कार्यालय उप अभियंता स्मिता पवार से राष्ट्रीय राजमार्ग के रुके हुए कार्य को करने की मांगे की है। राष्ट्रीय महामार्ग गेली 7 वर्ष रखडपट्टी मध्ये डांबून ठेवला आणि पुढाऱ्यांनी कोट कल्याण करून घेतलं, नेते लोकांनी स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आणि सामान्य माणसाला मात्र ठिकाणी वेठीस धरले गेलंय। का होता ही 61 हायवे नेमकं याच्यावरच का अडून पडलाय, याच्यात का अडचणी निर्माण झाल्यात? 61 हायवे वरचा अहमदनगर येथे उड्डाण पूल झाला, त्याला निधी मोठ्या प्रमाणात मिळतो, मग या ठिकाणी या रस्त्यासाठी त्याला खड्डे मुक्त करण्यासाठी। I'm gonna get you।